वेलकम बैक टू नव्य तिवारी व्लॉग्स। और आज के व्लॉग की शुरुआत होती है योगा डे की तरफ से। मतलब आज योगा डे है, तो आज नमन को स्कूल में योगा भी करनी है और मैं भी यहाँ पर अभी योगा करूँगी। तो मैं रोज़ प्रैक्टिस तो करती हूँ, लेकिन आज योगा डे है तो आज कुछ अलग ही इंटरेस्ट और कुछ अलग ही एक्साइटमेंट है। पर आज नमन लोअर टी शर्ट में स्कूल जा रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी योगा डे। अब याद आ रहा है, फोटो खींचेगी ना वहाँ पे स्कूल में। अच्छा, मैम से बोलना जरूर जरूर भेज दें। ये क्या कर रही हो? योगा एक्सरसाइज कर रही हो? पार्क में जाती? पार्क में नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। क्या हुआ, तुम भी चली जाती? यहाँ वीडियो कौन बनाता? वीडियो नहीं बनती, वीडियो कौन बनाता? अच्छा लगता पार्क में जाती? अच्छा लगता, नमन होता भी चला जाता, लेकिन उसको स्कूल में। थक गई? नहीं, तो पहले ऐसी कर देना ताकि बॉडी गर्म हो जाए, जैसे लोहा पहले गर्म करते उसके बाद पीटते। तुमने देखा है, सुनी सुनाई बात करती हो। नहीं तो सुना है, पढ़ा भी है। भी मैं जा रही हूँ पार्क में, बहुत से लोग योगा कर रहे हैं। और अब हम आ चुके हैं पार्क में, और अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि सामने एक टेंट लगा हुआ है, वहाँ पर एक अंकल हैं, वो सबको योगा करा रहे हैं। इधर पीछे कुर्सियाँ भी लगी हैं, जो लोग बैठकर देखना चाहें देख सकते हैं, पर ज़्यादातर लोग बैठे नहीं हैं, ज़्यादातर लोग इसमें योगा ही कर रहे हैं, क्योंकि योगा डे है तो खाली क्यों बैठेंगे, वो योगा करने आए हैं तो योगा ही करेंगे। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं माइक में, उसी तरह से सब लोग योगा कर रहे हैं, लाउडस्पीकर भी लगा हुआ है। और ये पार्क का इधर फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पार्क के इस साइड में जो भी लेडीज़ हैं और बच्चे हैं वो योगा कर रहे हैं। वहीं दूसरी साइड में उस तरफ आप देख सकते हैं कि उधर जेंट्स साइड है। अभी उधर मैंने वीडियो नहीं बनाई है, अभी मैं आगे चल के बनाऊँगी, पर तब तक देखते हैं। ये पवन मुक्त आसन कर रहे हैं सभी लोग, इसमें काफ़ी बच्चे भी हैं और लेडीज़ भी हैं। और वहाँ मेन स्टेज पर कुछ लोग और योगा कर रहे हैं, और बीच में बैठे हुए हैं एक अंकल जो माइक पर बोल के सबको योगा करवा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उनके फ़ायदे बता रहे हैं। हो रहा है, आंखें बंद रखनी चाहिए और ध्यान कठ प्रदेश पर होना चाहिए। यह आसन पीठ की मांसपेशियों और मेरुदंडीय स्नायुओं को सुगठित बनाता है। अगर कोई उदर संबंधी व्याधि है, हार्निया सियाटिका हो या एक्यूट पेन हो, प्रेगनेंसी हो, तो इस अभ्यास को न किया जाए। तो अब आप देख सकते हैं सब लोग आराम से पड़े हुए हैं, कितने आराम से पड़े हैं, क्योंकि अभी ये लोग कर रहे हैं शवासन। तो माइक पर वो भी बोल रहे हैं कि सबका पसंदीदा आसन है ये और सबसे आसान, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, बस जैसे सो रहे हैं आराम से उसी तरह से पड़े रहना है। तो शव आसन कर रहे हैं, तो सब कैसे लग रहे हैं आप देख ही सकते हैं। अब मैं आ गई हूँ पार्क की सामने वाली साइड से, जहाँ से टेंट लगा हुआ है। तो ये इधर स्टेज पर भी कुछ लोग कर रहे हैं शव आसन, और वैसे ही बाकी लोग भी नीचे। और ये देख सकते हैं बीच में एक अंकल बैठे नहीं हुए, तो वो माइक लगा के तो वही बता रहे हैं स्टेप्स और उसके बेनिफिट्स। मैंने आपको पार्क में दिखाया कि बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, मम्मी मुझसे भी कह रही थी जाने को, पर मैं नहीं गई। तो नमन आएगा तो वो भी देखेगा, अभी तो वो स्कूल में है, धूप भी आ चुकी है, पर काफी अच्छा लग रहा था पार्क में जब सब लोग कर रहे थे। तो सबने वाइट पहना था और मैं एकदम ब्लैक हाईलाइट हो रही थी। हेलो, अरे लगी नहीं रहा स्कूल से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो पिकनिक मना के? कैसा रहा आज का दिन, बताओ बताओ।
योगा किया? हाँ, कितना किया? लाओ लाओ बैग, नाम लिख दियो, कल जाना है। बैठो, लेकिन हाउस यूनिफॉर्म में ही तो पसीना हो गया। हाउस क्या फुटबॉल में? फुटबॉल है, मैम कह रही है हाउस यूनिफॉर्म में होगा। स्काउट यूनिफॉर्म, एक स्काउट यूनिफॉर्म, एक नॉर्मल यूनिफॉर्म, योगा की अलग हो गया। फ्रेंड्स, मैं स्कूल से आ चुका हूँ और मैंने खाना भी खा लिया और मैं सो करके उठ चुका हूँ और मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया। तो अभी मैं आ गया हूँ अपनी छत पर, इसी वजह से क्योंकि अभी कुछ ऐसा मौसम हो रहा है, मतलब कभी कभी धूप आ जा रही है लेकिन हल्की फुल्की आ रही है। जैसे कि योगा डे है तो मेरे स्कूल में योगा भी करवाई गई थी, स्पोर्ट्स टीचर ने भी करी थी और हमने भी करी थी, कई जितने भी स्टूडेंट्स थे 6 to 8 और बाकी प्राइमरी में भी करवाई गई होंगी। प्राइमरी का तो मुझे क्या, अच्छा दीदी टहलने के लिए आ रही होगी, तो प्राइमरी में करवाई गई होंगी, प्राइमरी का तो मुझे पता है क्योंकि मुझे क्या पता। तो ये पता नहीं, जैसे अभी चल रहा था ना तो बीच में मकड़ी ने जाल लगा रखा होगा, मतलब एकदम वैसे लगा था, बाल जैसे लगा था, तो ऐसे जाता हूँ तो बार बार उसको हटाने का मन करता है और वो दिखता भी नहीं ऐसा होगा। अरे हाँ भाई, मुझे बोलने तो दीजिए, ले लो स्लीपर चाहिए तो इधर निकाल लीजिए जा करके। उधर से कहा तुम लोग, तुमने स्लीपर पहनी है? मैं नहीं देने वाला, मैंने पापा जी को खुद पहन रखी। अरे ऐसे क्या खड़ी, दादी अम्मा जैसी तो लग रही, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। और लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसका उनको रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, किसकी रिपोर्टिंग अच्छी लगती है, ठीक है ना? अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, शांत रहो। हाँ तो मतलब इतना बढ़िया मौसम हो रहा है कि मेरा मन खुद कर रहा है ब्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा कि फिर मैं ब्लॉग बना देती हूँ। हालांकि मन का मन नहीं हो रहा था इसलिए मुझे बोलना पड़ा है ना ब्लॉग बना लो, तो उसके बाद वो बनाता है। तो काफ़ी ज़्यादा जोर देने के बाद उसने ब्लॉग की शुरुआत करी है, लेकिन हल्की हल्की बूंदें भी पड़ रही हैं और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा है, हवाएं चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये डिस्टर्ब करने आ गया है। हाँ ये है क्या, इसको इतने बढ़िया मौसम में भी कपड़े नहीं मिले पहनने को, ये देख। ये नीचे से हाफ लोअर, ऊपर से बनियान, नहीं मतलब ऊपर से बनियान, हाँ जिसको कि डिफरेंस नहीं पता है बनियान और बनियान में। ओहो, इसने सैनिटाइजर पकड़ा था, बातों बातों में दबा दिया और इसी के मुंह पे पड़ गया, अभी आईज में पड़ जाता तब क्या होता था। मुझे क्या पता, वो आने में उसका ऐसी टच कर रहा था, टच करके फर्स्ट चेक करके निकल आओ, अब तो पता है। अरे मार दी क्यों नहीं गया, अभी पता चल जाएगा, तो छोड़ो एक मिनट, छोड़ो ये भजा, बालों में डाल दिया इसने, कैमरा में ट्राई करके देख। नहीं नहीं मार खाओगे तुम, जरूर अपनी पक पक करके आपको फुटबॉल वगैरह के बारे में बता करके दिमाग खराब कर दिया होगा, बिकॉज़ दीदी अपने कॉलेज के बारे में बकवास बकवास करती है। ऐसा नहीं है सर, दीदी क्या बनी थी वो, अरे क्या नाम है, मिक्सी बनी थी दीदी और मैं बना था शिनचैन नुहारा तो भारा तुम्हारा शिनचैन नुहारा देखो दीदी कितनी प्यारी प्यारी है, देखो दीदी को बेवकूफ हो क्या बोल रही है दीदी, तुमने किसकी एक्टिंग करी है, बेवकूफ हो क्या बोल रही, उधर चलो और मैं दीदी को कहूंगा छोटी बच्ची हो क्या, आइए लिंगम मंगा आजा 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 आजा, अच्छा अच्छा ऐसे नहीं करता मैं, ऐसे करो ऐसे कौन होता बारिश
छोरी फोन ये इधर ला जा फोन छोटी छोटी पुच्ची वो इधर ला जा फोन अभी मम्मी आएंगी तो मैं ऐसे 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 बताने वाली हूं देखो फिर भी प्यारा लग रहा ऐसी लगती है ना दीदी ऐसी लगती है। अभी दीदी के लिए चैलेंज है, देखिए इतनी छोटी दीदी आ रही है, ऊपर से इतना छोटा दिख रहा है, जा रही हूँ उधर। ठीक, तो दीदी के लिए चैलेंज है कि दीदी छोटी बच्ची बनेगी और मैं दीदी का बड़ा भैया। ठीक, तो मैं चाहे दीदी को कितना कूटू कितना ही मारू लेकिन वो सही चले। छोटे को डांट पड़ेगी, हे छोटे नमन, मेरा छोटे नमन नहीं नमन, क्यों 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 परेशान कर रहे ईशा को, पढ़ने दो पढ़ने, क्या पता वो ऐसे पड़ी रहती उधर, देखा पता लगा आप छोटी है। ठीक, ओ आपका नाम क्या, क्या चैलेंज है, किसने कह दिया, क्या किसने दे दिया, मैंने दिया, तो मैं आपको क्या बुलाऊं, ईशा नहीं पुच्ची, पुच्ची दीदी पुच्ची दीदी नमन भैया, पुच्ची दीदी नमन भैया, ठीक मैं आपका नमन भैया और ये पुच्ची। कट होगा, कट होगा, नहीं नहीं मैं ही एडिटिंग करता हूँ, मैं कट करूंगा ही नहीं। ये है पुच्ची, पुच्ची पुच्ची आजा 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 आजा, वॉकर में आ रही है, वॉकर जो आती है ऐसे ऐसे आती है, बचपन में टहलती थी ऐसे कर दिया, जाने लगाती, अरे भाई आ गई ग्रैनी, चल रही है ग्रैनी, आ गई ग्रैंडपा, चलो इधर आओ, अरे इधर आओ इधर आओ, उधर चलिए, एकदम गीले अच्छे, मैं समझ गई इनको गी बारिश में भीगने की शौक हो रही है, उदास के बहाने बारिश में भीगना चाह रही है ये, चलिए उधर चलिए छोटे बच्चों की तरह, उधर चलिए, पहन करके देखना, दिखने में ही बड़ी लग रही है, थोड़ा अरे वो जब पहनेंगे तब तो होगा ना टाइम, वो इसका हो जाता ना ये सर कुछ को ड्रेसेस देना है जो जैसे लगते गत्ते पे जोड़ पड़ता है ये चाबी आ गए, नहीं आए आ गए भैया, क्या लाए आखिर लास्ट में, क्या मारेंगे फुटबॉल, फुटबॉल करते वही तो ले ही आए आखिर अपनी जिद से, हाउस यूनिफॉर्म और शूज भी लाए अपनी जिद से, तुम ले ही आए ना फुटबॉल के लिए कब से, तो देखिए फ्रेंड्स ये है जिद्दी नाम, दिखाऊं मैं आपको, दिखाओ इस तरह से, ये है ये कल खर्चा करके लाए थे, क्या लाए थे, फुटबॉल बैडमिंटन ये सब, उसके बाद स्कूल में स्पोर्ट्स में नाम लिखवा के आया, फिर फुटबॉल के लिए, फिर पापा से कहा कि यूनिफॉर्म लानी है, शूज लाने हैं, क्यों कहाँ चला गया, शूज़ भी लाया,
इसमें क्या लाया? शूज लाया। अच्छा, और यूनिफॉर्म भी दिखाओ। स्कूल जाना है तो कितनी जल्दी? हाँ तो कितने बजे उठोगे? 4 बजे। हाँ 4 बजे ये उठेंगे। 4 बजे खाता पीता है नहीं, खेलेगा। और खाना पीना? खाना पीना नहाना धोना देखा जी। मतलब 5:30 से स्कूल, मतलब पहुंच जाना है तुमको 5:30 पर। उसके बाद वो इतना खिलाएंगे, फिर थोड़ा क्लास, मतलब हाँ खिलाएंगे। इतनी प्रैक्टिस होगी और खाते पीते हो नहीं, क्यों ले लिया है स्पोर्ट्स में? आज जब से स्कूल से ये आया है, जब से स्कूल से आया तब से पापा का वेट करे कि पापा आए, फिर जल्दी से हम लोग हाउस यूनिफॉर्म लेके आएंगे और फिर अगले दिन मुझे स्कूल जाना है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, वो भी फुटबॉल की वजह से एक्साइटमेंट है, है ना? बस बस घर पे नहीं तोड़ देना कुछ। और ये सब, और बताओ, खुश? अब खुश पक्का? खुश, ठीक है। अपनी मनमानी करी ली तुमने? हाँ, देखते हैं कि अगले दिन जल्दी उठते हो नहीं। क्या बन गए? नीचे से क्या? हाँ आप लोग उतार के ट्राई करो। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर क्या रहे हो? ये खुश एक्साइटमेंट वाला डांस, बड़े बड़े ले आए हो क्या? कैसे? ठीक है, देखते हैं। कल सुबह ही नहीं, एक दो दिन तो ऐसे ही एक्साइटमेंट के मारे उठ जाएगा। रोज देखते हैं उठते हो कि नहीं। अरे हाँ, मुझे लाया था। वही तो, गर्मी नहीं लगेगी तुमको ना, स्वस्थ भी रहना है। ये नहीं है, खाते पीते हो नहीं? सुन रहे हो? खाता हूँ पीता नहीं। मैंने लिया कह रहा है, खाता हूँ पीता नहीं हूँ। आप पियोगे? पी जाओगे तो स्कूल बड़ी आला है। पापा वर्षे में ज्यादा पैरों ने ये क्या कर रहे हो? नहीं संभालती मैं। ये आज तो बहुत है, ये मेरे मारवार में जी। आराम। क्या हुआ? दबा है ना किसी चीज से? है कटा तो नहीं होना, कटा वटा नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा सा वैसे हो गया, वो रखने में हो गया होगा ना, डब्बे अभी में रखा रहता है तो अभी वो सॉक्स पहनेगा तो ठीक हो जाएगा। तब भी हाँ, सॉक्स पहन के ठीक आ जाएगा, फिट आ जाएगा। ये वाले शूज तो बिल्कुल जो इससे पहले थे वो नए के नए ही थे। पूरा कोरोना में मतलब छुट्टी थी, छोटे बच्चों को आ रहे हैं। हाँ मतलब वही था, कोरोना की मतलब हॉलीडेज थी कोरोना की वजह से। उसमें उसके शूज ही, मतलब ये बड़ा हो गया, शूज छोटे नहीं हुए, ये बड़ा हो गया।